एशिया में लगातार अपने कदम मजबूत करने में जुटे चीन को बांग्लादेश ने तगड़ा झटका दिया है। खबर है कि पड़ोसी देश ने बीजिंग की एक बड़ी कंपनी के साथ सड़क निर्माण परियोजना को रद्द कर दिया है। यह कंपनी ढाका सिलहट राजमार्ग का निर्माण कर रही थी, लेकिन एक गंभीर आरोप के बाद बांग्लादेश ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के वित्त मंत्री AMA मुतकीन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि सरकारी अधिकारियों को घूस देने के आरोप में सरकार ने चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिसके बाद अब ये कंपनी भविष्य में किसी भी निर्माण के प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं ले सकेगी। बताया जा रहा है कि यह कंपनी कई बड़ी परियोजनाओं को संभाल चुकी है। इसमें पाकिस्तान का ग्वादर और श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट शामिल है। वित्त मंत्री की माने तो कंपनी ने बांग्लादेश हाईवे ट्रांसपोर्ट के नव नियुक्त डायरेक्टर को रिश्वत देने की कोशिश की थी। कंपनी ने रिश्वत के तौर पर करीब 5 मिलियन टका देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन रिश्वत का खुलासा होते ही इस परियोजना को रद्द कर दिया गया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।